Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ओए क्या बात है यार, जितनी तारीफ करूं उतना कम। क्या काम किया, क्या परफॉर्मेंस दिया। एंड मैं तायर के बारे में एक बात बोल सकता हूं, जितनी भी फिल्में देखी मैंने इनकी, एक से बढ़कर एक फिल्में देखी, परफॉर्मेंस देखा, कभी विलन बने कभी दोस्त बने, लेकिन आज मेरे सामने जो इसमें मौजूद हैं, बाप रे बाप, एक तो काली काली आंखों वाला एक ऐसा व्यक्ति जो इतना सीधा साधा भोला भाला, और वहीं पर दूसरी फिल्म आई लूप लपेटा। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन तायर, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, क्या काम किया आपने। थैंक यू सो मच अनुराग। एक बात आपने बहुत बढ़िया कही कि आपने अलग अलग किरदारों में मुझे देखा है। मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि बंबई में समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो मतलब शुरुआत के साल वो विलन और दोस्त में निकले और 2022 एक रोमांटिक हीरो के अवतार में जो है मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। पर माना पड़ेगा ताहिर यार कि ये लूप लपेटा में जहाँ तापसी जैसी एकदम स्ट्रॉन्ग है ना कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, उसके बीच में आपकी परफॉर्मेंस एकदम नेचुरल है। तो ये अगर मैं बात करूँ स्कूलिंग कैसी है, मतलब एक्टिंग की स्कूलिंग कहाँ से ली आपने, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की बात करूँ बेसिक, क्या लगता है आपको कि आप इतने अच्छे एक्टर क्यों हैं। जी थैंक यू, क्योंकि बेसिक्स के बारे में अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। लोग हमेशा सोचते हैं कि ये मतलब एक सेट या एक वर्कशॉप में जाकर एक इंसान सीख जाता है, पर मैंने एक्टिंग की शुरुआत करी थी जब मैं 14 साल का था। दिल्ली में अपने तुरंत स्कूल के बाद मैं बैरी जॉन के एक्टिंग वर्कशॉप्स में जाया करता था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत थिएटर और रंगमंच का एक बहुत एक कल्चर है, वहां पर प्लेज किए हैं काफी हद तक। और फिर एक मास्टर्स अपनी जो कॉलेज की एजुकेशन थी वो भी फिल्म और एक्टिंग में मैंने करी थी। और यहाँ पर जब बंबई आया तो ऐसा नहीं था कि पहले महीने में आकर मुझे एक बड़ी पिक्चर मिल गई यशराज की और मैं मतलब उसी के बाद फिर पिक्चरें मिलने शुरू हो गई। कुछ 3.5-4 साल लगे थे मुझे, जहां पर साथ में वर्कशॉप्स करते रहना, अपने एक्शन क्लासेस, डांस क्लासेस सब पैरेलली चलती थी, ऑडिशंस देते रहना। करीब 300 ऑडिशंस में रिजेक्शन हुआ और इन रिजेक्शंस को निराश ना होते हुए कुछ सीख कर आगे बढ़ना, और फिर फाइनली जाकर एक मर्दानी का ऑडिशन आया। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी सीख जो होती है वो आपकी जो बंबई में एक जर्नी रहती है, यहाँ पर आकर जो आपको अपने आप के बारे में पता लगता है, जब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं कि फ्राइडे नाइट को जब आपके बाकी के सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं पर आप बोल रहे हैं नहीं यार मैं बैठ के उस एक्टर की ये वाली पिक्चर एक बारी देख लूं ताकि हो सकता है कुछ सीख जाऊं, जब उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं तो लगता है कि समझ में आता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और ये चीज जो है मुझे एक्टिंग स्कूल और बंबई दोनों ने मिलकर सिखाया है कि काम की अहमियत क्या होती है। बहुत सारे एक्टर हैं, इस समय 3.5 करोड़ लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो छोटे छोटे गांव में हैं, शहर में प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, और मुंबई आना चाहते हैं, दिल्ली में जाना चाहते हैं, कोलकाता में शूट करना चाहते हैं। तो अगर मैं कुछ 4 चीजें बोलूं एज एन एक्टर, आपको क्या लगता है कि ये बहुत जरूरी है एक्टर के लिए, क्या क्या चीजें लगता है। सबसे पहले होगी ट्रेनिंग। बहुत लोगों को लगता है कि अगर उन्हें पिक्चर देखने का शौक है या वो किसी एक हीरो की नकल कर लेते हैं तो वो एक्टर बन जाएंगे, ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी क्लास लिए अगर आप बंबई आएंगे, सबसे पहले बंबई एक महंगा शहर है, यहाँ पर घर ढूंढना एक महंगी चीज है। यहाँ पर आप एक जगह से दूसरी जगह अगर आप बस या ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, यहाँ पर पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो सेविंग्स के साथ आइएगा, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास एक साल का खर्चा नहीं है तो आप कुछ ऐसा काम करके आए जहां पर आपके पास थोड़ी सेविंग्स हो। एक्सपीरियंस और क्लासेस बहुत काउंट करती हैं। अपने आप से ये सवाल पूछना कि आप एक कलाकार क्यों बनना चाहते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग उनकी एक परसेप्शन होता है बॉम्बे का कि यहाँ पर आकर अमीर हो जाऊंगा या मुझे लोग पहचानने लगेंगे। ये इन सबको मैं साइड बेनिफिट्स कहूंगा, ये एक बाय प्रोडक्ट है। पर अगर आप अपने कला से सच्ची मोहब्बत नहीं करते और उस लेवल की मोहब्बत कि आप मतलब एक साल या 2 साल ऐसे निकाल दें कि आप काम कर रहे हैं और आपको उसकी पगार ना मिले, पैसे ना मिले, तो तभी आप आइएगा। और ये मैं सिर्फ एक्टिंग का नहीं, अगर आप राइटर बनना चाहें, अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहें, अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहें, तो एक तपस्या होती है बंबई में, एक अग्निपथ होता है और वो अग्नि परीक्षा के बाद ही आप कुछ बन पाते हैं। क्या बात है, रेडियो सुनते हैं आप। जी सुनते हैं। है? क्या चीज अच्छी लगती है रेडियो में। मुझे पुराने गाने सुनने का शौक है, अगर मैं पॉडकास्ट भी बहुत सुनता हूँ, अगर कुछ मोटिवेशनल सुनने को मिल जाए तो उसका काफी शौक रखता हूँ। तो 3-4 दिन के पहले अभी आपने कौन सी मोटिवेशन ऐसी चीज सुनी आपने जो इंस्पायर करना चाहेंगे लोगों को। जो मुझे और मैं जिस फेज में हूँ अपने करियर के, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वो मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आपका सपना है कि यार मैं किसी दिन 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये अगर आपका सपना है और आपने
प्रयास किया और आपने मेहनत करी और मान लीजिए आपने 5 साल के मेहनत के बाद वो 10 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आप ये जानेंगे कि एट द एंड ऑफ दोस 5 ईयर्स वो 10 करोड़ रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू है कि आप उस जर्नी के समय क्या बने, व्हाट डिड यू लर्न। एंड इससे मुझे सीखने को मिला कि द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। और ये मैं जिस मकाम पे आज खड़ा हूँ ये मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना हुआ करता था जब मैं बंबई आया था कि एक दिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मेरे भी पोस्टर लगेंगे, एक दिन जूहू सर्कल पर मेरे एक किसी शो या किसी फिल्म के पोस्टर लगेंगे। और आज जब मैं वो पोस्टर देखता हूँ तो हाँ उस बात की खुशी तो होती है, पर खुशी ज्यादा उस बात की होती है कि उस मकाम तक पहुंचने का जो मतलब जो सफर रहा है उसमें क्या क्या सीखने को मिला, और उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत 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 ज्यादा है। क्या बात है। अगर रेडियो की बात की थी हमने तो पुराने गाने आपको बहुत पसंद है, तो कोई 2 गाने ऐसे जो आप हमेशा गुनगुना सकते हैं या तो आपके जहन में चलते रहते हैं? मेरे दिल के चैन, थोड़ा गुनगुना देना। अरे अच्छा चलो, मैं सोच ही रहा था कि बात उसी और बढ़ रही है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। नंबर 2, दूसरा गाना। अब बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा क्योंकि गाना पड़ेगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, थोड़ा सा गुनगुना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया। वाओ, और यही काम किया भाई ने लूप लपेटा में। हाँ, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बेचारे कोई समझ फिर आके रिलेट कर दिया आपने किसी तरह। अरे रेडियो का ये तो एक्सपीरियंस है यार, ये अनुभव है। तो लूप लपेटा में मैंने देखा खासतौर से जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इतना कमाल है। मतलब इतना सीधे साधे इन्वेस्टमेंट तो यार पर्सनल लाइफ में हो नहीं यार ताहिर, कैसे मैनेज कर लेते हो आप यार, कैसे कर लेते हो आप? अरे लूप लपेटा का जो सत्या है उसको खेलने का मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसका एक मेरे दीवार पर एक कोट लिखा था मैंने, पार्ट टाइम लवर फुल टाइम झोलर जो उसको डिस्क्राइब करती, क्योंकि वो एक ऐसा एक है तो अपने आप को रोमांटिक हीरो समझता है वो, पिक्चर का रोमांटिक हीरो, पर उस प्यार को दिखाना कैसा है उसमें बेवकूफियां कर बैठता है। और वो जो बेवकूफियों को वो उन समस्याओं को वो हल करने की कोशिश करता है तो उससे भी बड़ी बेवकूफी कर बैठता है। और उसी भोलेपन में उसी वल्नरेबिलिटी में कहीं ना कहीं वो पसंद आता है। और जब मैंने उस स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यही लगा कि ये बंदा है तो बेवकूफ, पर अगर इसको अगर सही तरह अगर प्ले करेंगे तो कुछ लवेबल है इसमें, क्योंकि ऑडियंस को लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा बचाने लायक है। तो कोशिश तो यही रही है, जिस तरह का फीडबैक ये अभी तक मिला है तो लोगों को पसंद तो आ रहा है। एंड एज अ पार्ट इस किरदार को प्ले करने में भी बहुत मजा आया, क्योंकि ये इंसान जब अपने गर्लफ्रेंड के साथ सभी जो तापसी ने प्ले किया है उसके साथ अकेले में रहता है तो एक टोन रहता है उसका, जब वो अपने बॉस के साथ रहता है तो बदल जाता है, जब उस पर प्रेशर आता है तो बिल्कुल पिघल जाता है आदमी। तो मतलब हर सीन में एक अलग सत्या देखने को मिलता है और ऐसे पार्ट कम लिखे जाते हैं, तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे करने को मौका मिला। तो देखो इसमें तो आप झूलझाल कर रहे हो, पर्सनल जिंदगी तो आप कर भी नहीं सकते, अब तो नाम भी हो गया बेटा, तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। जैसे मैं आरजे बन गया तो मुझे अच्छे से याद है कि एक जमाने में जिस रूम पार्टनर के साथ रहता था उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, ठीक है, वो ठीक है, तो जब तक मुझे कोई नहीं जानता था ठीक था, लेकिन रेडियो में नाम हो गया तो मैं उससे मेरा दोस्त है यार एंड ऑफ द डे, उसको जेल में मिलने जाता था, लोग मुझे कहते थे अरे भाई साहब क्यों आते हो आप यहाँ पे, क्या जरूरत है? अरे मैंने कहा अरे चुप रहो, मेरा दोस्त है यार, रूम पार्टनर था बेचारा, वो एक जमाने में 5 साल रहा बेचारा वो। तो आपकी जिंदगी में अगर मान लो, अब तो झोल झपाटा हो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी बचपन में जवानी में कहीं कॉलेज में स्कूल में आता है ना सलामा ऐसा कर लूंगा यार कभी मौका मिलेगा, तो वो कौन सी चीज है, क्या दिमाग में आता था? अरे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ तो बचपन तो मेरा झोल से ही भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं सत्या की जिंदगी भी अपनी जिंदगी से ही वो जो आता है। तो कई मेरे अभी भी ऐसे दोस्त हैं जिनको मतलब ऐसे पब्लिक में मिलना थोड़ा हानिकारक होगा मेरे लिए, पर तो मतलब मेरे हिसाब से वो बचपन के ही दोस्त हैं जो आपके सबसे बड़े फैन और सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। मतलब कुछ काम बढ़िया करते हो तो वही बताएंगे, और अच्छा ना लगे तो बाकी की सारी दुनिया चाहे आपको कहे यार बहुत बढ़िया काम किया, असलियत उन्हीं से मिलेगी। और ऐसे कई जो मुझे याद है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम प्ले करने आना चाहते थे, बॉम्बे में एक फेस्टिवल लगता है आईआईटी बॉम्बे का, मूड इंडिगो नाम का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहली बार हम बॉम्बे आ रहे थे प्ले करने के लिए, और पैसे नहीं थे किसी के पास, 3 दिन के ट्रेन का सफर था और कुछ 1200 रुपए की टिकट थी। तो कॉलेज में जो पॉलिटिक्स में होते थे जो लोग, उनसे हमने पैसे इकट्ठे किए अपने पूरे थिएटर ग्रुप के साथ, क्योंकि हमें फुल कॉन्फिडेंस था कि हम जाएंगे वहां पर थिएटर में परफॉर्म करेंगे
और वहां पर जीतने का 10,000 रुपए का अवार्ड था अगर आप फर्स्ट आएंगे, तो हमें पूरे ये कॉन्फिडेंस था कि हम वहां जाके 10,000 रुपए जीत जाएंगे, वापस आएंगे और ये पॉलिटिकल पार्टी वाले लोगों को हम पैसे वापस दे देंगे। हम गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब चौड़ के साथ परफॉर्म किए, वहां पे पता लगा तो हम लास्ट आए। तो मतलब अभी ना हमें पैसे मिले वापस जाने के, और ना हमें मतलब उनको वापस उधार चुकाने के पैसे थे। तो कम से कम हम 4 महीने कैसे मुंह छुपाते छुपाते हमने वो यूनिवर्सिटी में काटे, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो बहुत बहुत मारपीट थी। फिर किसी ना किसी तरह किसी से पैसे एक जोड़ जोड़ कर हमने वो अपना झोल जो है वो कम्प्लीट किया और जिंदा बच गया। पर चलो यार, जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस होता, अनुभव होता, वो एक्टिंग में काम आता, और ये लूप लपेटा में तो काम आ ही गया तुम्हारे, है ना? जी बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। और मतलब इत्तेफाक की बात ये है, और लोगों को लगता है कि मैं कहानी बताने के लिए बोल रहा हूँ, पर मूड इंडिगो में IIT बॉम्बे में जहाँ पर हमने परफॉर्म किया, उन्हीं कॉरिडोर्स में छिछोरे शूट हुई है IIT बॉम्बे में। तो जब मैं वहां पहुंचा एज एन एक्टर, तो मैंने बोला यार, मतलब वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के भी जीत जाने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। बाजीगर कहते हैं, और वही बात आप में नजर आई। यार एक बात बताऊं, आपके डायरेक्टर को भी बोलिएगा, आपके प्रोडक्शन टीम को बोलिएगा कि इसका कैमरा एंड एडिटिंग बहुत कमाल है दोस्त, परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है लूप लपेटा का, बहुत कमाल है, बैकग्राउंड म्यूजिक अल्टीमेट है ना जी। थैंक यू, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और जो हमारे निर्देशक हैं, उनकी डेब्यू फिल्म है, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और एज एन एक्टर मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे रिस्क लूं, ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं जो एक नया विजन दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि आजकल ऑडियंस का जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह की स्टोरीज और कहानियां वो देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लव स्टोरी देखें पर वो थोड़ी हटके हो। और लूप लपेटा में मजा ही ये है कि जिस तरह वो पेश किया गया है, जिस खूबसूरती से, वो कुछ अलग ही है।